27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें सात में से कोई भी एक उपाय, आपके जीवन की सारी परेशानियों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में कार्तिक महीने की पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और कत्की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का नाश किया था। कार्तिक पूर्णिमा पूर्णिमा कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और इस महीने को पूजा पद के लिए विशेष माना जाता है। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा करने का विशेष विधि विधान है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है और इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन देवी देवता धरती पर आते हैं और मनुष्यों के साथ दिवाली मनाते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ खास उपाय करने से साक्षात माता लक्ष्मी जी का आपके घर में आगमन होता है और घर खुशियों से भर जाता है और आपके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थिर वास होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको धन धान्य के लिए परेशान न होना पड़े, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय माँ लक्ष्मी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आपकी किस्मत को आप बदल सकते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन मुख्य रूप से दान पुण्य का दिन होता है, इसलिए इस दिन आप जितना दान कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक दान करें। दान करने का आपको विशेष फल प्राप्त होता है। घर की शांति और धन लाभ के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीबों को दान दे और भूखों को भोजन कराए, अवश्य ही आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और घर में शांति बने रहेगी। इस दिन किसी गरीब को चावल का दान आप जरूर करें, इससे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगला उपाय है दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगला उपाय है आम के पत्तों का तोरण। पुराणों में अत्यंत पवित्र बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत फलदायी हो सकता है। आम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और जब इन्हें मुख्य द्वार पर लगाया जाता है तब ये किसी भी नकारात्मक शक्ति को भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं। अगला उपाय है दोस्तों, इस दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाए और दीपक जलाए, साथ ही साथ मुख्य द्वार और पूजा घर में भी दीपक अवश्य जलाए, इससे पृथ्वी प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन लाल कपड़े में कौड़े, गोमती चक्र, काली हल्दी और एक रुपए का सिक्का लपेट करके तिजोरी में रख देने से आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आप कौड़ी बांधेंगे वो पीली कौड़ी होनी चाहिए। अगर पीली कौड़ी नहीं है, सफेद कौड़ी है, तो उसे हल्दी से पीला कर ले, फिर आप इसकी पोटली बनाए। अगला उपाय है दोस्तों, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में माना गया है और इस दिन पीपल के पेड़ में यदि आप मीठे जल में दूध मिला करके पीपल के जड़ में चढ़ा देते हैं तो धन से जुड़ी सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसलिए इस दिन आप दूध में थोड़ा सा शक्कर मिला करके फिर आप पीपल के जड़ में जरूर चढ़ाएं। अगला उपाय है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह शिव मंदिर में जा करके सबसे पहले शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल मिला करके चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से
आपके सिर पर जो भी कर्ज का बोझ होता है उस बोझ से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। अगला उपाय है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाए, घी का दीपक आपको जलाना है। माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाए एवं 5 कन्याओं को खीर का भोग अवश्य खिलाए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद भक्तों को देती है। इस दिन अपनी पत्नी, माँ, बहन या बेटी को कुछ न कुछ उपहार में जरूर दे, क्योंकि उनमें साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। अगला उपाय है दोस्तों, चंद्र दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है या चंद्रमा कमजोर है तो कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सुम सोमाय नमः, क्या है मंत्र? ओम सुम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। इसके अलावा आप सफेद कपड़े पहने चावल, दूध, खीर, शक्कर, मोती आदि का दान करें। ऐसा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको जितने भी उपाय मैंने अभी बताए हैं, इन उपायों को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खोल सकते हैं और अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।